नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे नंबर पर बरकरार। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट पहली बार टॉप फाइव में शामिल। रोहित शर्मा सातवें और शिखर धवन आठवें पायदान पर मौजूद। अमेरिकन ओपन के क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और उनकी कनाडाई जोड़ीदार गैब्रियला डाब्रोवस्की को मिली हार। सानिया मिर्जा ने महिला युगल के अपने मुकाबले में हासिल की जीत। अमेरिका की निकोल गिब्स और जापान की नाओ हिबिनो को तीसरे दौर के मुकाबले में 6-4, 7-5 से हराया। रोजर फेडरर को पछाड़, सेरेना विलियम्स ने रचा इतिहास। 308वां ग्रैंड स्लैम मैच अपने नाम करके सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाली खिलाड़ी बनी। स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने जीते हैं 307 ग्रैंड स्लैम। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग हरभजन सिंह को मानते हैं कट्टर प्रतिद्वंदी। कहा, मुझे आज भी आते हैं भज्जी के बुरे सपने। टेस्ट मैचों में हरभजन ने पोंटिंग को सबसे ज्यादा बार किया है आउट। 2018 फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में जर्मनी ने नॉर्वे को 3-0 से हराया। थॉमस मूलर और जोशुआ किमिच का रहा शानदार प्रदर्शन। शुरुआती दौर के मैचों में अजरबैजान के साथ शीर्ष पर पहुंचा जर्मनी। और पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वकार यूनिस ने तैयार की मॉडर्न वनडे क्रिकेट टीम। टीम में शामिल हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा। अपने देश से सिर्फ मोहम्मद आमिर को दी जगह। ये तो ही खेल जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।